Hello and most welcome my dear students. Today we are going to start about the cardiovascular system. And first of all, we have to study about the human heart. Anatomy और pathway को मिला के एक series बना लेते हैं. दूसरा ECG बहुत important होता है. शुरू करते हैं cardiovascular system में human heart को. तो ये एक simple outline बनाया है मैंने, एक सिंपल ह्यूमन हार्ट डिज़ाइन करने की कोशिश की है, थोड़ा इजी बना दिया है आप लोगों के लिए, आप भी ड्रॉ कर सकते हैं. ह्यूमन हार्ट टिपिकली ह्यूमन हार्ट फोर चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 4, ठीक है. फोर चैम्बर्ड हार्ट होने का मतलब है कि ये काफ़ी एडवांस सिस्टम को शो कर रहा है, यानी एवोल्यूशन का जो पैटर्न है उस पैटर्न में जो पीसेस आती हैं यानी मछलियाँ फिशेस, उनमें जो हार्ट होता है वो टू चैम्बर्ड होता है और वो केवल डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करता है, पंप करता है. तो वो वीनस हार्ट है क्योंकि वेन्स के थ्रू उसमें केवल डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो वेनस हार्ट. लेटर ऑन डेवलपमेंट होता गया, उसके बाद एम्फीबियंस रेप्टाइल्स थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, फिर उसमें क्रोकोडाइल एक्सेप्शन हो जाता है, उसमें फोर चैम्बर्ड, फिर वहाँ से डेवलप होते हैं और मैमल तक यानी ह्यूमन हार्ट तक पहुँचते वक्त एकदम बढ़िया वेल डेवलप फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, ये ठीक है. लोकेशन की बात करें तो हमारे जो लंग्स हैं, सो दीज आर द टू लंग्स, ओके, लेफ्ट एंड राइट वन. हार्ट को भी ऐसे डिज़ाइन करते हैं, लेफ्ट एंड राइट वन हार्ट बना लीजिए, सामने रख लीजिए. ये लेफ्ट है तो लेफ्ट होगा, यू कैन सी लेफ्ट लेफ्ट, और इधर राइट है तो राइट होगा, यू कैन सी राइट एंड राइट. एम आई क्लियर? ठीक है. तो जो लंग्स हैं इनके ठीक बीच में, दोनों लंग्स के बीच वाली पोजिशन पर, स्टर्नम के इस पोजिशन पर, यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है. स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में, स्लाइटली. अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल लेफ्ट में घुस गया भाई, सब लेफ्ट में है, एकदम मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है. बीच में रहता है, स्लाइटली आप कह सकते हैं लेफ्ट की ओर घुमा होता है. साइज तो ये हमारा मुक्का है, फिस्ट, क्लिंच्ड फिस्ट है ना, ये इस साइज का होता है आपका हार्ट. एम आई क्लियर? गुड. अब ये जो हार्ट है जो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, वो पेरिकार्डियम नाम के एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से कवर रहता है, उसका आउटर लेयर बनाता है वो, जो कि डबल लेयर्ड है और उसमें एक फ्लूड होता है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूड कह सकते हैं, ठीक है. करता क्या है वो फ्लूड वहाँ पे क्यों है? क्योंकि हार्ट यहाँ पे लोकेटेड है, इसको पंप करना है, बहुत मेहनत का काम करना है और सामने है तो इस तरह से झटके लग सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है. तो सेफ्टी करने के लिए, फ्रिक्शन से बचाने के लिए लेयर्स हैं, उसी फ्रिक्शन से बचाने के लिए फ्लूड भी प्रेजेंट है. एम आई क्लियर? गुड. सो स्टार्ट करते हैं. हार्ट इज मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन. तो ये कैसा है? मीजोडर्मल ओरिजिन का. इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम. उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम. और पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूड होता है. पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूड होता है. पेरिकार्डियम की जो दो लेयर्स की बात कर रहे हैं, डबल है ना, तो दो लेयर्स की बात कर रहे हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरा इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है. आउटर मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं हम? फाइब्रस मेम्ब्रेन कहते हैं. क्या बोलते हैं उसको हम? फाइब्रस मेम्ब्रेन. और इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सीरस मेम्ब्रेन. फाइब्रस एंड सीरस मेम्ब्रेन, और इनके बीच में फ्लूड होती है, पेरिकार्डियल फ्लूड. तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया आपके नोट्स के लिए. अब इस स्ट्रक्चर को हम अच्छे से समझते हैं. देखिए इसमें जो चार चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं, इसमें दो राइट साइड में, दिस इज कॉल्ड राइट आट्रियम, इसको ऑरिकल भी कहा जाता है. एट्रियम इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? ऑरिकल. सो दिस इज व्हाट? राइट आट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल. द लोअर पार्ट इज राइट वेंट्रिकल, वेयर एज एट द अदर साइड इट इज व्हाट? लेफ्ट एट्रियम. ऊपर की तरफ क्या है? लेफ्ट एट्रियम, और नीचे की ओर लेफ्ट वेंट्रिकल.
तो ये चार चैम्बर्स के नाम तो क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, अदर थिंग्स को भी देख लेते हैं। तो सभी बॉडी पार्ट्स, ऑल ऑफ द बॉडी पार्ट्स, है ना, आप लिख सकते हैं बॉडी पार्ट्स। सभी बॉडी पार्ट्स से क्या होगा कि ब्लड इकट्ठा होता है, और राइट साइड में ऑट्रियम में, अब शॉर्टकट में से आर ए लिख सकते हैं, राइट ऑट्रियम में इकट्ठा होता है। तो राइट ऑट्रियम में ले जाने के लिए जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं उसको बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं? वेना कावा। तो यहाँ पे एक सुपीरियर वेना कावा है जो ऊपर की ओर दिख रहा है, और एक इन्फीरियर वेना कावा है जो नीचे से यहाँ पे जाके अटैच होता है। एक तीसरी ब्लड वेसल भी है, उसको कोरोनरी साइनस बोलते हैं। कोरोनरी साइनस कह सकते हैं आप। तो तीन वेसल्स हो गए, रिमेंबर हाउ मैनी, थ्री वेसल्स दैट ट्रांसफर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द व्हाट, राइट ऑट्रियम। इज इट क्लियर? व्हाट आर दोज थ्री? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, एंड कोरोनरी साइनस। इज इट क्लियर? ओके, तो जब यहाँ से ब्लड एंटर करता है तो यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, यूस्टिशियन वॉल्व, ठीक है। ब्लड यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, और फिर जब इसमें सिस्टोल होगा यानी कंस्ट्रक्शन होगा, तो ब्लड नीचे की ओर फ्लो करेगा। जब ब्लड नीचे की ओर फ्लो करेगा सो कहाँ पहुँचेगा ये? राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पहुँचेगा ये? राइट वेंट्रिकल, शॉर्टकट में इसको हम आर वी लिख लेते हैं, इट इज आर ए, ओके, एंड दिस इज व्हाट, आर वी। तो वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचता है, और यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें तीन डोर सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राई कस्पिड वॉल्व। ट्राई कस्पिड वॉल्व का एक और नाम होता है क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, और वो भी कहाँ? राइट साइड में। तो इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ओके, सो ट्राई कस्पिड वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। हमें क्लियर? ये समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है, तो ये क्या है? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। कौन? ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ब्लड जब यहाँ पहुँचता है तो अब वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होगा तो ब्लड बाहर निकलेगा। ब्लड कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर की ओर, हार्ट से बाहर की ओर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे फिर एक वॉल्व प्रेजेंट है। अब ये जो वॉल्व है इसको हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। दिस इज व्हाट सिंपली नोन एज व्हाट? सेमी लूनर वॉल्व। दिस इज सिंपली सेमी लूनर वॉल्व। राइट साइड में जो सेमी लूनर वॉल्व है इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वॉल्व, क्योंकि अब ये जो यहाँ से ब्लड वेसल ब्लड को कैरी करता है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी इन मैक्सिमम बॉडी प्लेसेस कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट रिमेंबर दैट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। तो ऊपर जाके इसमें ब्रांचेस हो जाते हैं लेफ्ट और राइट साइड में, राइट एंड लेफ्ट, ये देख रहे हैं, और ये दोनों कहाँ पे जाएंगे? लंग्स पे जाएंगे। ये समझ में आ गया? तो ये जो सेमी लूनर वॉल्व है इसका एक और नाम हो गया, और वो क्या है? पल्मोनरी वॉल्व। अब हम दूसरे साइड की बात करें यानी लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन, आप देख रहे हैं पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है कहाँ से? लंग्स से। यहाँ पे लंग्स तक जाता है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम। और ये पल्मोनरी वेन 4 इन नंबर होते हैं। कितने होते हैं भाई? टोटल 4 होते हैं। समझ में आ रहा है? दो राइट साइड ऑफ द लंग्स और दो लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स। ओके, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहाँ पहुँचेगा फिर इसमें सिस्टोल होगा, फिर से वही प्रोसेस होगी, ब्लड नीचे आएगा और यहाँ पे आपकी बार जो गेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दिस इज बाइकस्पिड वॉल, क्योंकि यहाँ पे दो गेट लाइक स्ट्रक्चर है। सो दिस इज व्हाट बाइकस्पिड वॉल। ये कैसा वॉल्व है? बाइकस्पिड वॉल्व। अभी जो बाइकस्पिड वॉल्व है इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। मिट्रल वॉल्व, अच्छे से समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? मिट्रल वॉल्व। तो ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, सभी वॉल्व एक डायरेक्शन में ओपन होते हैं। ब्लड जब अंदर लेफ्ट साइड में आ गया, नाउ दिस इज व्हाट लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको LA शॉर्टकट में लिख सकते हैं और इसको LV लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे जब सिस्टोल होगा यानी कंस्ट्रक्शन होगा, कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लेना कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो थिकर होती है एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल्स ऑलरेडी थिकर होते हैं एट्रियम से एज कंपेयर टू द एट्रियम। याद रहेगा ना? गुड। अब जो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल है जब ये सिस्टोल करता है, जब ये सिकुड़ता है, तो यहाँ से ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाता है, टू ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स को छोड़ के बाकी सभी बॉडी पार्ट्स में ये पहुंचता है। अब इसको जो बाहर लेके जाएगा वो होगा एओर्टा। क्या होगा वो? एओर्टा। अब यहाँ से बिल्कुल सही है, एओर्टा होगा, फिर उससे आर्टरी बनेगी, फिर आर्टरियोल बनेंगे, फिर कैपिलरीज बनेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। तो ये 4 चैम्बर्स और इनकी साइक्लिक प्रोसेस जो कार्डियक साइकिल कही जाती है वो थी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कुछ वर्ड्स, जैसे यहाँ पे इस जंक्शन पे, यहाँ पे एक गैप रहता है जब बेबी या फीटस जब मदर के यूटरस में डेवलप हो रहा होता है, तो एक छोटा सा गैप रहता है यहाँ पे जिसको फोरामेन ओवैली कहते हैं। ठीक है, और लेटर ऑन जब पैदा होने से पहले क्या होता है कि ये क्लोज हो जाता है, लेकिन वहाँ पे ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही रह जाता है। तो उस ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस, उसको बोलते हैं फोसा ओवैलिस। समझ में आ रहा? और किसी तरह से अगर ये नहीं बंद हो पाया तो आप सिंपल साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हो कि दिल में छेद है। इज इट क्लियर? वो क्या होता है, कम्प्लीटली बंद नहीं हो पाता है, तो वो वाली कंडीशन आ जाती है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब हम एक बार इसकी साइकिल को भी अच्छे से देख लेते हैं जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो फिर से पाथवे को समझ लेते हैं। देखिए, बॉडी के हर एक पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू, और कहाँ पहुँचता है? राइट साइड ऑफ द ऑरिकल, दिस इज आर्ट्रियम और ऑरिकल, राइट ऑरिकल में। ठीक है, तीसरी जो यहाँ पे वेन है या जो वेसल है उसको कोरोनरी साइनस बोलेंगे। यहाँ से ब्लड कहाँ पहुँचेगा? यहाँ से ब्लड फिर इसी साइड में वेंट्रिकल में जाएगा, यानी राइट वेंट्रिकल में, RV आप कह सकते हैं। यहाँ से ब्लड निकलेगा और बाहर कहाँ जाएगा? लंग्स पे, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आ रहा है? लंग्स में जाके गैसियस एक्सचेंज होने के बाद, ऑक्सीजनेट होने के बाद, ये फिर से वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी किसके थ्रू, फिर से समझ लीजिए,
पल्मोनरी वेंस के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब की बार आएगा लेफ्ट, कहाँ पे आएगा भाई, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा के थ्रू होते हुए ऑल बॉडी पार्ट्स में एक्सेप्ट लंग्स को, लंग्स को छोड़ दीजिए, उसके अलावा ये हर जगह पहुँच जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से कि राइट साइड में, राइट साइड में, राइट साइड ऑफ दिस हार्ट, आइदर इट इज राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, चाहे वो ऑरिकल हो या वेंट्रिकल हो, केवल डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, केवल डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही यहाँ पे पहुँच रहा है, और लेफ्ट साइड में केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और ये दोनों मिक्स भी नहीं हो रहे, बिल्कुल सेपरेट हैं, है ना। तो क्योंकि एक ही हार्ट में लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड और राइट साइड में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं, और ये दोनों बारी बारी पंप हो ही जा रहे हैं, सो दिस टाइप ऑफ हार्ट सर्कुलेशन इज नोन एज डबल हार्ट सर्कुलेशन, जबकि मछलियों में सिंगल हार्ट सर्कुलेशन होता है। याद रहेगा, डबल हार्ट सर्कुलेशन। समझ में आ रहा है। अब दो एट्रियम में, यानी राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो वॉल्व, जो सेप्टम प्रेजेंट है, इसको कहते हैं इंटर ऑरिकल या इंटर एट्रियम सेप्टम, और दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है वो है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये समझ में आ गया। तो बेसिकली सर्कुलेशन जो है बॉडी में तीन तरह के हो सकते हैं, या तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा, या पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा, या कोरोनरी, या उसी को हम कार्डियक सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड ह्यूमन हार्ट से निकलता है, सभी बॉडी पार्ट्स में जाता है और फिर से ह्यूमन हार्ट में पहुंच जाता है, लेकिन इसमें लंग्स इन्वॉल्व नहीं होते। सिस्टेमिक में लंग्स बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसका एक शॉर्ट आउटलाइन बना दूंगा मैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ह्यूमन हार्ट से ब्लड निकलता है, लंग्स पे पहुंचता है और वापस ह्यूमन हार्ट तक आ जाता है, इसके अलावा कोई भी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व नहीं, ठीक है। यानी लंग्स का जो सर्कुलेशन है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाएगा। कोरोनरी या कार्डियक सर्कुलेशन एक स्पेशलाइज्ड सर्कुलेशन मेथड है, जहाँ पे जो हार्ट है उसकी मायोकार्डियल सेल्स के अंदर ही छोटे छोटे वेंस जाते हैं और वो ब्लड को फ्लो कराते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रॉपरली इंश्योर करते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई उस ब्लड के साथ होगी, एक्सचेंजेस होंगे। तो ये तीन तरह के ब्लड के सर्कुलेशंस हो गए। वॉल्व्स की बात कर लें तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व यानी एवीवी, ये दो तरह के हो सकते हैं, लेफ्ट एवीवी एंड राइट एवीवी। लेफ्ट वाले को बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व कहते हैं और राइट साइड वाले को ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। सेमी लूनर वॉल्व्स भी दो तरह के होते हैं, आपने देखा है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। लेफ्ट साइड वाले को एओर्टिक वॉल्व कहते हैं और राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। इतना समझ में आ गया। अब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए मैं सिस्टमिक और पल्मोनरी के लिए एक छोटा सा आउटलाइन बना देता हूँ। तो ये एक सिंपल आउटलाइन है ब्लड सर्कुलेशन का। एक ह्यूमन हार्ट के अंदर चार चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे क्या है कि राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, लंग्स पे। ध्यान से समझिए, कहाँ गया ये, लंग्स पे। यानी हार्ट से निकला राइट वेंट्रिकल के थ्रू और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुँच गया, लंग्स पे। लंग्स में एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे जो CO2 था वो लंग्स में गया, फिर उससे बाहर निकल गया और O2 अंदर आ गया, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, और फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से ये वापस हार्ट में पहुंचता है लेफ्ट एट्रियम की ओर। राइट एट्रियम से पहुंच स्टार्ट हुई थी इसकी जर्नी और लेफ्ट एट्रियम तक ये पहुंच गया। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, ये जो सर्कुलेशन का पाथ बना
क्योंकि इसमें लंग्स इन्वॉल्व है, ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, दिस इज सिंपली कॉल्ड व्हाट, पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरी तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए मैंने रेड से बना दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये बॉडी को छोड़ता है बाहर की ओर, तो एओर्टा के थ्रू ये बॉडी पार्ट्स में जाता है, लेकिन लंग्स में नहीं, एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़ करके बाकी सभी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गए एओर्टा या आर्टरी के थ्रू। वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो गया, अब इसमें CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई, मोर इट बिकम्स मोर, सो द ब्लड बिकम डी ऑक्सीजनेटेड। नाउ दिस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन रीचेस टू द हार्ट राइट एट्रियम, एट राइट एट्रियम, इज इट क्लियर। तो ये वाला जो पाथवे है जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है और राइट एट्रियम पे पहुंचता है, दिस इज व्हाट, जिसमें कि लंग्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, सो दिस पाथवे इज व्हाट, सिस्टेमिक पाथवे। तो दो पाथवे समझ में आया, एक पल्मोनरी और दूसरा सिस्टेमिक। तीसरा क्या है, कोरोनरी पाथवे। तो कोरोनरी पाथवे कहाँ पे चलता है, हार्ट के अंदर ही, वहाँ पे जो मायोकार्डियल सेल्स है, वहाँ पे जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं और फिर ब्लड को वापस लेके आती हैं इकट्ठा करके, वो क्या है, वो जो पाथवे, वो सर्कुलेशन सिस्टम बनेगा, वो क्या होगा, कोरोनरी या कार्डियक सर्कुलेशन, ठीक है। इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें भी हैं, उसको डिस्कस कर। तो कार्डियक सर्कुलेशन की हम बात कर लेते हैं, क्या कि ये ऐसे सर्कुलेशन है जो इसमें कि ब्लड जो होता है वो हार्ट के अंदर ही, यानी हार्ट मसल्स में ही, वेसल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, जिसको कि मायोकार्डियम कहते हैं, जो मसल है वो क्या है, मायोकार्डियम है। अब यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरीज होंगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी मायोकार्डियम तक, और जो कोरोनरी वेंस होंगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी मायोकार्डियम से वापस ह्यूमन हार्ट तक ले जाएंगे। इतना समझ में आ गया। अब ये क्या है कि कोरोनरी जो आर्टरीज हैं इनका डायमीटर बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो कभी कभी ये ब्लॉक हो जाती हैं। अगर ये ब्लॉक हो गए तो हार्ट अटैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। इससे जुड़े हुए दो टर्म आते हैं, पहला है मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन और दूसरा एंजिना पेक्टोरिस। आइए पहले एंजिना पेक्टोरिस को ही डिस्कस कर लेते हैं। एंजिना पेक्टोरिस वो कंडीशन है जिसमें कि जो कोरोनरी आर्टरी है, रिमेंबर व्हाट, कोरोनरी आर्टरी ये पार्शियली ब्लॉक्ड हो जाता है, इट इज व्हाट, इट इज पार्शियली ब्लॉक्ड, ठीक है, पार्शियल ब्लॉकेज हो जाएगा। पार्शियल ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या होगा कि प्रॉपर ब्लड का फ्लो तो हो नहीं पाएगा। इस कंडीशन में लेफ्ट साइड की जो हाथ होती है, आर्म्स होते हैं, लेफ्ट आर्म में झनझनाहट यानी एक रेडिएटिंग पेन होगा, तो रेडिएटिंग पेन उस हार्ट अटैक के शुरुआत का सिम्टम है, जो कि कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज की वजह से है। दिस कंडीशन इज व्हाट, दिस इज एंजिना पेक्टोरिस। दूसरा है मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे क्या है, इन्फ्रक्शन हो रहा है यानी फ्रैक्शन हो रहा है यानी टुकड़े हो रहे हैं आप कह सकते हैं, ठीक है। और किसके टुकड़े हो रहे हैं, मायोकार्डियल सेल्स के या उस मसल के, मायोकार्डियल मसल के, कैसे हो रहे हैं। तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज हैं जब ये ब्लड के सप्लाई को बंद करते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर पतला है तो आराम से ब्लॉकेज हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ब्लॉकेज की वजह से ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। तो पूरे मायोकार्डियम मसल में जिस पार्ट पे, जिस पर्टिकुलर एरिया रीजन में ब्लड की सप्लाई बंद हो गई कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, वो जो पार्ट है, वो टिश्यू है, वो डेड हो जाएगा। वो टिश्यू क्या हो जाएगा, वो एरिया क्या होगा, डेड हो जाएगा। तो इस तरह से जो कंडीशन क्रिएट होगी जहाँ पे डेड टिश्यूज, डेड एरिया आपको मिलेगा मायोकार्डियम में, इस कंडीशन को, इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब कार्डियक साइकिल में कितना वॉल्यूम होता है उसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीड के एस्पेक्ट से, ओके।
तो चलिए कार्डियक साइकिल को भी समझ लेते हैं। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट 0.8 सेकंड्स। तो अगर 60 मिनट की बात करें तो ये 75 टाइम्स ऐसा साइकिल चलेगा। अब ये कार्डियक साइकिल है क्या भाई? तो वो इवेंट जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं, तो एक पर्टिकुलर हार्ट बीट क्या है कि एक कार्डियक साइकिल कहलाता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एट्रियल सिस्टोल से शुरू करते हैं, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल तक पहुंचेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल तक की इवेंट को चेक करेंगे। तो इन दोनों इवेंट से हमको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कार्डियक साइकिल वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले तो भाई ये राइट ऑट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ब्लड इकट्ठा हो गया पूरी बॉडी से एज वेल एज मायोकार्डियल से खुद भी। यहाँ जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है पूरी तरह से भर जाता है तो ये क्या है, एकदम फैला हुआ है, यानी डायस्टोल की कंडीशन में। जब डायस्टोल की कंडीशन में है तो ये फिर क्या होगा, जब पूरी तरह से भर जाएगा तो सिकुड़ना शुरू करेगा, कंस्ट्रक्शन होगा, दिस इज कॉल्ड सिस्टोल। अब क्योंकि ये एट्रियम है, ये दोनों एट्रियम है, दोनों एक साथ सिकुड़ते हैं, तो इसको हम एट्रियल सिस्टोल कह सकते हैं। होता क्या है, मान लीजिए चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, तो सेम प्रोसेस दूसरी तरफ भी होगी। यहाँ पे ब्लड क्या होगा, वॉल्व्स के थ्रू नीचे यानी वेंट्रिकुलर पोर्शन में मूव करना शुरू करेगा। इस मूवमेंट में आपको ख्याल रखना होगा कि अब ये वाला पोर्शन फैल रहा है यानी डायस्टोल हो रहा है, तो यहाँ पे जब सिस्टोल हो रहा है एट्रियम पोर्शन में तो वेंट्रिकुलर पोर्शन में क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। कन्फर्म है? ठीक है, अब ये जो ब्लड नीचे आ रहा है ये इसमें क्या, वेंट्रिकल में ऑलरेडी लगभग 75-80% वॉल्यूम ब्लड का पहुंच जाता है इसके सिस्टोल होने से पहले, और वो अप्रोक्सीमेटली जो वॉल्यूम है वो लगभग 105 मिलीलीटर होता है। यहाँ पे ऑलरेडी लगभग 105 के आसपास इतना वॉल्यूम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ आप अपना लिख सकते हैं, एकदम बराबर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ऑरिकल है इनके सिस्टोल से फिर और कितना वॉल्यूम ऐड हो गया, अप्रोक्सीमेटली 25 ml वॉल्यूम और ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा भाई, 25 ml। अब आप इसको चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, एंड इट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, 130 ml। ये समझ में आ रहा है? तो इस वेंट्रिकल पोर्शन में कितना ब्लड इकट्ठा हो गया, एकदम कंप्लीट डायस्टोल वाली कंडीशन में पूरी तरह से ये फैला हुआ है, तो 130 ml। अब इसकी लिमिट आ चुकी है, अब ये सिस्टोल करेगा और ऊपर वाले हिस्से को डायस्टोल करना है। तो एक्चुअल में जो 130 ml आपको वॉल्यूम दिख रहा है ब्लड का, इसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायस्टोल अब यहाँ पे एंड हो गया भाई, अब इसके बाद यहाँ सिस्टोल शुरू होगा क्योंकि अब इसकी लिमिट हो चुकी है। तो एट्रियल सिस्टोल आपको समझ में आ गया, कहीं कोई कन्फ्यूजन? दोनों तरफ वही प्रोसेस होगा, यहाँ पे 25 ml आएगा, यहाँ कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, और दोनों वेंट्रिकल एक साथ डायस्टोल करेंगे, दोनों ऑरिकल एक साथ सिस्टोल करेंगे। अब इनके सिस्टोल की बारी है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की हम बात कर लें। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा कि अब ये क्या करेंगे, सिस्टोल वेंट्रिकल, तो क्या पूरा का पूरा 130 ml, पूरा का पूरा 130 ml ब्लड बाहर निकल जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिस्टोल तो करेंगे पर ये थोड़ा प्रेशर से करेंगे, और लेफ्ट वाला थोड़ा ज़्यादा प्रेशर से करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब क्या है कि ये दोनों एक साथ क्योंकि सिस्टोल करेंगे तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक टाइप का सिस्टोल करेंगे, आइसो वॉल्यूमेट्रिक टाइप का सिस्टोल करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा कि बराबर ब्लड का जो वॉल्यूम होगा वो एकदम बराबर बराबर निकलेगा, आइसो क्या होते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन हो गया। अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ द ब्लड, कितने में से 130 इसके पास पूरा था, इसमें से 70 ml ब्लड बाहर निकलता है, इजेक्ट हो जाता है।
यानी यहाँ से जो ब्लड बाहर निकलेगा वो कितना होगा 70 ml, और ये दोनों में से 70, यहाँ से भी 70 ml बाहर निकलेगा और यहाँ से भी 70 ml बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा कितना, 60 ml ऑफ द ब्लड स्टिल रिमेन्स इन दिस पोर्शन, है ना, अभी भी यहाँ पे 60 ml दोनों तरफ बचे हैं। अब ये जो वॉल्यूम बचा हुआ है इसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और फिर इसके बाद ये रिलैक्स पीरियड होता है, वो लगभग 0.4 सेकंड के आसपास का होता है, और फिर से यही प्रोसेस शुरू होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड और उसमें से रिलेटेड जो भी पार्ट थे। इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, कहीं भी फंसिए तो मुझसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।